200 लोगों के सामने था, 200 लोगों ने रजिस्टर करवाया था, पर हम ही हैं एक्चुअली। हम यहाँ पे अपनी मर्जी से बैठे हैं, हमें किसी ने बोला भी नहीं है बैठने के लिए। पर अभी आई गेस 20 मिनट तक हम लोग वेट करेंगे, अगर कुछ नहीं है तो फिर निकल जाएंगे। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। हैप्पी संडे। आज संडे है और हमने सोचा है कि अब से हम लोग डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे काइंड ऑफ। देखते हैं, अगर हमारा इंटरेस्टिंग डे हुआ तो व्लॉग बना के ज़रूर डाल देंगे। और इंटरेस्टिंग डे आज है संडे, क्योंकि उसकी शुरुआत हो चुकी है अंजलि से, जो यहाँ पे भी भाखरी बना रही है। पहले तो ये बता कि तूने ये क्यों बोला कि मतलब हमारे पास कंटेंट, मतलब हम क्यों बना रहे डेली व्लॉग बता, क्योंकि हम हमारी लाइफस्टाइल दिखाने वाले हैं। कुछ लाइफस्टाइल ही, हमारे पास कंटेंट खत्म हो गया एक्चुअली। कहीं पे हम लोग ट्रैवल नहीं कर सकते, तो अभी कंटेंट निकालना है, कहीं से वीडियोस बनाना है। हमने चैलेंज वीडियो भी बहुत ट्राई किया, बट उसमें भी ठीक है, कितने चैलेंज वीडियोस बनाएंगे, तो सोचा कि हम लोग हमारी लाइफस्टाइल आपको दिखाएंगे, अमेजिंग लाइफस्टाइल। यहाँ पे जो अंजलि स्टार्ट कर रही है भाखरी बनाना सुबह सुबह, ऐसे संडे है तो हमारे पास टाइम है, तो अंजलि भाखरी बनाएगी। क्या क्या जलने की क्या स्मेल आ रही है? नहीं तो वैसे भी नाक कटोरे जैसी है। ये वो झूठी औरत जो सुबह सुबह कल रात को मुझे बोल रही थी 6:30 बजे उठाना, 6 बजे उठाना, हम लोग वॉक करने के लिए जाएंगे। तो क्यों नहीं उठी तू वॉक करने के लिए? यार संडे है, मुझे उठने का मन नहीं करता। तो फिर अलार्म क्यों लगाती है सुबह? तो अलार्म बंद करके सो भी जाते हैं ना, कौन सा हम लोग बड़ा उठ के दौड़ लगा देते हैं। मैंने उसको 6:30 बजे उठाया, फिर भी सो गई, 7 बजे उठा फिर भी सो गई। इसको मन ही नहीं था, इसको मन ही नहीं था उठने का, ये बस ढोंग करता है, ढोंगी पापी इंसान सुबह सुबह मुझे उठाने का, और फिर निकल लेता है साइड में पलट मार के सो जाता है। तो सही है ना, तू नहीं उठ रही तो मुझे थोड़ी मन करेगा उठने का। रहने दे, तू तो वैसे भी पहले बीच में मम्मी भी आई थी, तू ना उठ रहा था तब भी मैं ही जा रही थी। ठीक है चल, तू भाखरी बना, आगे के देखते हैं, भूख लगी है बहुत। गाइस डू कमेंट डालो पेट अंदर करते हुए। बाय द वे अभी अंजलि का सेकंड डोज है लेने के लिए, और उसके बाद नेक्स्ट वीक शायद सैटरडे या संडे को मैं कराऊंगा अपना फर्स्ट डोज। मैंने अभी तक कोई भी वैक्सीन ली नहीं है, तो मेरे जब सेकंड डोज खत्म हो जाएगा उसके बाद हम कुछ प्लान कर सकते हैं बाहर घूमने के लिए। एज अनलॉक की प्रोसेस है वो काफी स्टेट्स में स्टार्ट हो चुके हैं, रिस्ट्रिक्शंस भी काफी हद तक उन लोगों ने डाउन कर दिए है। काफी काफी जगहों पे आपको आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने की जरूरत भी नहीं है, क्वारंटीन भी नहीं करते। तो मेरी भी दोनों वैक्सीन के डोजेस खत्म हो जाएगी, उसके बाद वी विल प्लान समथिंग। डेफिनेटली हम कहीं तो जाने वाले हैं, क्योंकि ट्रैवल व्लॉगर है यार, कहीं तो हम लोग जाएंगे। ये आपके लिए सरप्राइज है और हमारे लिए भी सरप्राइज है। क्योंकि हमें भी नहीं पता जाने वाले, इसलिए तो हम लोग ये व्लॉग बना रहे हैं अभी। अब पता नहीं क्या बन रहा है, पर बना रहा है कुछ लाइफस्टाइल वाला व्लॉग। नहीं करें ऐसे में बोल, अच्छा ही बन रहा है जो बन रहा है। अच्छा बन रहा है, ठीक है। देख दूसरे लाइफस्टाइल व्लॉगर तो देखे, सब यही तो दिखाते हैं। हमें कुत्ता भी लाए थे, बट उसका भी हम कुछ कंटेंट नहीं निकलता, वो आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दिखाएंगे क्या हुआ मीसा का। अपॉइंटमेंट थी तो हम जा रहे हैं वैक्सीन लेने, हम तो मतलब मैं ही जा रही हूँ, करण की तो अभी तक एक भी नहीं लगी, वो काम चोर है इसका मतलब। करण काम चोर नहीं है, पहले तेरी लग जाए फिर मेरी लगाऊंगा ना, तुझे क्या हो रहा है, कितना बुखार लग रहा है वो भी हम दिखाएंगे ना व्लॉग में। मुझे कुछ नहीं हुआ था बाय द वे, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप कुछ? नो कमेंट्स। अब करण को जब फीवर चढ़ेगा तो पता चलेगा क्या सीन है, बिकॉज ये बहुत कमजोर है, बट कोरोना पहले मुझे हुआ था, वो उसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला है। अंजलि कैसा रहा एक्सपीरियंस, दर्द हुआ कुछ? ठीक है, ठीक है। अब बैठो यहाँ पे। 200 लोगों के सामने था, 200 लोगों ने रजिस्टर करवाया था, पर हम ही हैं। लेकिन अच्छी बात है कि गांधीनगर में इतनी भीड़ नहीं होती है। हाँ अच्छी बात यह है कि अभी गांधीनगर में इतनी भीड़ नहीं है, शांति से हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे बैठने के भी ओके ओके अरेंजमेंट है, बट गवर्नमेंट है फ्री है और बहुत ही अच्छा है। दूसरी वैक्सीन ले ली है, तो अगर अभी तक आपने नहीं लिया जाओ और वैक्सीन लेके आओ, इट्स रियली
अ मस्ट थिंग अगर आपको कोविड से बचना है। एक्चुअली हम यहाँ पे अपनी मर्जी से बैठे, हमें किसी ने बोला भी नहीं है बैठने के लिए, पर अभी आई गेस 20 मिनट तक हम लोग वेट करेंगे, अगर कुछ नहीं है तो फिर निकल जाएंगे। और दो दवाई दी है अंजलि को, अगर वही पे ये दवाई पहले से है, हाँ पहले तो हमारे पास था क्योंकि अंजलि को कुछ हुआ नहीं था तो हमने दवाई अभी तक अब नहीं लिया। अब हम देना शुरू कर देंगे दवाई, अब हम बेचना शुरू कर देंगे, रखना मेरे लिए, मेरा दो डोज बाकी। तो हमने वैक्सीन ले लिया और अब हम लोग जा रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं करण? टीवी हमारा बिगड़ गया तो रिपेयरिंग की शॉप ढूंढ रहे हैं, देखते हैं। हमने कंपनी में तो पूछा था, कुछ 7-8 हज़ार रुपये की बात कर रहा था, तो हमने सोचा एक बार लोकल लोगों से पूछ ले क्या सीन है भाई, अगर सस्ते में रिपेयर हो रहा है तो ठीक है, वरना फिर 7 हज़ार का फटका। बिकॉज हम लोग का हर महीने का कुछ ना कुछ खर्चा हो गया है, शादी के बाद हमें पता लग गया कितने पैसे खर्च होते हैं। हमारे माँ बाप सही बोलते थे आई गेस, अब हमें लग रहा है ऐसा, क्योंकि हमारा हर महीने का कुछ ना कुछ चलता है ये। और हाँ, ये बोलना भूल गया, हमने 15-20 मिनट वेट किया था और वहाँ कोई भी नहीं था एक्चुअली, हम ही बैठे थे पूरे। लेकिन ये संभावना वाले ब्लॉग में उन लोगों को कैसे मिल गया सब कुछ खाने पीने का? ऐसा हमें कहीं पर नहीं मिला खाने पीने के लिए। आई गेस वो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में गए थे जहाँ से 1250 या 1400 रुपए की जो वैक्सीन मिलती है वहाँ गए थे, तो उसमें आपको टी कॉफी स्नैक्स मिल जाता होगा। हम लोग जो गए थे वहाँ पे इतनी कोई फैसिलिटी नहीं थी, बट ठीक है, गवर्नमेंट है, फ्री में मिल रही है तो फिर इतना ज़्यादा भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जो भी था स्मूथ था, 5 मिनट में वैक्सीन लगी, 20 मिनट बैठे वहाँ पे और फिर निकल गए। आई गेस मुझे लगता है 5 मिनट भी नहीं हुए थे, हम 2 मिनट गए, कोई भी नहीं था, बैठे, नंबर लिया, कोड लिया, खत्म कर दिया, बस अब निकल गए फिर अपने। अच्छा है तेरी दोनों वैक्सीन हो गई, सो इट्स गुड नाउ कि अब नेक्स्ट वीक मेरी स्टार्ट करेंगे, फिर देखेंगे कि मुझे कितनी असर करती है दवाई। And I'm vaccinated, yo. मेरा सिंबल है ये। सिंबल। 2 hours later. So Anjali, कैसा रहा दूसरी वैक्सीन के बाद? मुझे थोड़ा सा दर्द हो रहा था। जहाँ पे दवाई इंजेक्शन लिया वहाँ पे हाथ पे? और कोई फीवर या ऐसा कुछ? नहीं। मुझे सिर्फ गर्मी लग रही है। I think वो तो मुझे लगती है ना हमेशा। हाँ वो तो लगती है तुझे गर्मी। वैसे गर्मी है ही। AC तो ऑन ही है। बट एसी में मुझे गर्मी लग रही है। एसी में गर्मी लग रही है तो देखते हैं, मे बी आज तुझे रात को बुखार आए तो हो सकता है। मुझे तो लोगों को बुखार में सर्दी होती होगी, मुझे बुखार में गर्मी होती है। और वैसे अभी हम लोग 2 घंटे सो गए थे, काफी हाथ में पेन हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा सो जाते हैं। तो अभी हम लोग जस्ट उठे, 6 बजे वी आर हैविंग, मैं तो खा ली, तो क्या दिखा रहा है? खा भी लिया तूने? याद दिखाता हूँ। सो वी आर हैविंग ब्रेड विथ स्ट्रॉबेरी सिरप एंड चीज, और साथ में देख रहे हैं संभावना सेठ का आज का व्लॉग। तो ये सब खत्म करके हम जा रहे हैं ऊपर वॉक करने के लिए, इसीलिए इतना सब खा रहे हैं। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में ऊपर। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि मुझे वैक्सीन लगी और मेरे हाथ में पेन हो रहा है, अभी ठीक है पैरासिटामोल लेने के बाद। तो मैं बताना चाहूंगी कि करण क्या कर रहा है, क्या आप देखना चाहते हैं करण क्या कर रहा है? हेलो गाइस, ये कर रहा हूँ मैं अभी। करण तू काला दिख रहा है। मैं काला हो गया बर्तन गिरते गिरते? इतने नहीं है एक्चुअली। एक्चुअली हमारी शादी को 1.5 साल हो गए हैं, अब ये दूसरी बार बर्तन साफ कर रहा है थी 1.5 साल में। अरे कुछ भी दूसरी बार, कितनी बार किया है मैंने बर्तन साफ पता नहीं है। तो व्लॉग में तूने दूसरी बार लिया होगा इसीलिए। चल थंबनेल दे दे जल्दी जल्दी। म्यूजिक स्टार्ट कर मेरा, गरीब मजदूर ऐसे थंबनेल, और यहाँ से दफा हो जाओ। उसके बाद का हमने डे बहुत ज्यादा प्लान आउट कर रखा है हमारे बहुत अच्छे दिन के लिए। उसके बाद हम ऊपर जाएंगे थोड़ा सा वॉक करने के लिए, 1 किलोमीटर अराउंड। फिर हमने सोचा है हम थोड़ा शायद बाहर आटा मारे जा सकते हैं ना बाहर, हम आटा गुजराती, हम थोड़ा बाहर घूमने जाएंगे शायद, देखते हैं, थोड़ा कोल्ड कॉफी पियेंगे, अपने 90 रुपए फूकेंगे। ठीक है, अब फिर आपसे मिलते हैं डिनर टाइम पर। आप कुछ कहना चाहेंगे बीच में? आप काम करिए, चलिए। सो गाइस हम लोग आ गए वॉक करके, और उसके बाद इसकी थोड़ी ज्यादा दर्द हो रहा था हाथ, तो हमने आइसक्रीम भी खिला दिया, 2-2 कप नहीं, दोनों। मेरा हाथ ठीक हो गया था, बट इसको आइसक्रीम खानी थी इसलिए हम गए थे। तो 2-2 कप आइसक्रीम भी खा के आ गए वॉक करने के बाद, फिर हम आइसक्रीम खा रहे हैं। फिर हम आइसक्रीम भी खा रहे हैं, तो आप समझ सकते हो हमारी वॉक कहाँ पे चल रही है। तो अभी बज रहे 8:10, ये जा रही खाना बनाने के लिए। मैं अभी ये व्लॉग एडिट करूंगा क्योंकि ये कल सुबह मंडे को आएगा 9 बजे शाम,
तो यहाँ तक अगर आपने व्लॉग देख लिया है देन प्लीज हिट द लाइक बटन, नए हो तो सब्सक्राइब करें, ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन ताकि जो नेक्स्ट व्लॉग लाए उसकी सबसे पहले आपको अपडेट मिले। और एक और बात, प्लीज गिव योर फीडबैक इन द कमेंट्स बिलो कि हमें ये ऐसा हमारा लाइफस्टाइल वाला जो व्लॉग है वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो फिर हम करेंगे कंटिन्यू, अगर आप बोल रहे हो नहीं तो फिर देखते हैं। नहीं बोलेंगे तो नहीं व्लॉगिंग छोड़ देंगे, व्लॉगिंग नहीं छोड़ सकते तो नहीं मत बोलना, हम लोग करेंगे पर आप थोड़ा तो सजेशन दो, कंटेंट देख लेंगे, आप थोड़ा सजेशन दो और हमारे जो चैलेंज वीडियो वो भी आएंगे। सो विल सी यू गाइस इन आवर नेक्स्ट वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।